दक्षिणी ताइवान में गुरुवार रात एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 46 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। काओशुंग शहर के दमकल विभाग के अधिकारियों ने एक बयान में बताया कि आग तड़के करीब 3 बजे लगी। दमकल कर्मी तलाश और बचाव अभियान में जुटे हैं। निचली मंजिलों में आग बुझा दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि 55 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें 14 लोग शामिल हैं। घटनास्थल पर पाए गए कम से कम 11 लोगों को सीधे मुर्दा घर भेज दिया गया। अग्निशमन विभाग के प्रमुख ने घटनास्थल पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, दोपहर तक दमकल कर्मी खोज और बचाव कार्य में जुटे रहे। दमकल विभाग के एक बयान के अनुसार आग बेहद भयंकर थी और इमारत की कई मंजिलों को नष्ट कर दिया। अग्निशामक आग के स्रोत के बारे में अनिश्चित हैं, लेकिन विख्यात आग की लपटें सबसे अधिक तीव्रता से जलती हैं, जहां बहुत अव्यवस्था होती है। प्रत्यक्षदर्शियों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उन्होंने तड़के करीब 3 बजे विस्फोट की आवाज़ सुनी थी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इमारत लगभग 40 साल पुरानी है, जिसमें निचले स्तर की दुकानें और ऊपर के अपार्टमेंट हैं। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इमारत के निचले स्तर को पूरी तरह से काला कर दिया गया है। दमकल विभाग के बयान के अनुसार आग बेहद भीषण थी और इमारत की कई मंजिलें आग में खाक हो गई। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है।